नमस्ते शार्क्स, मैं रानुदीप। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ विजय कुमार। नमस्ते। और हम रेयर प्लैनेट के को-फाउंडर्स हैं। शार्क्स, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों कुल्लड़ में क्या डिफरेंस है? ये दोनों कुल्लड़ सेम कारीगर के हाथ में ही बने हुए हैं, बट ये हम 10 रुपए का बेचते हैं और ये 450 का। ये साधारण प्रोसेस में बनाया हुआ कुल्लड़ है और इसको कारीगर ने स्पेशली बनाया है। अपने देश में हर 100 किलोमीटर में भाषा चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं, आर्ट एंड कल्चर चेंज होता है, बट ये जो आर्ट एंड कल्चर हर 100 किलोमीटर में चेंज होते हैं, ये करेक्ट जगह पे करेक्ट प्राइस पे कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता है। तो रेयर प्लैनेट ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म देता है इन कारीगरों को अपना हुनर दिखाने का। आज हम लोग 4 एयरपोर्ट लोकेशंस और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सारे सामान बेचते हैं, जिसमें टेराकोटा, सेरामिक, कॉपर, स्टूडियो पॉटरी है। आज हमारे साथ करीबन 10,000 कारीगर जुड़े हुए हैं। शार्क्स, हम लोगों का ये विजन है कि रेयर प्लैनेट के थ्रू हम देश के सारे कारीगरों को टच करना चाहते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उनके साथ हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम लोग हमारे कंपनी के 1% शेयर के अगेंस्ट 65 लाख का इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं। आपके प्रोडक्ट्स दिखाइए। हाँ जी, दिस इज माइक्रोवेव सेफ, डिश वॉशर प्रूफ एंड यू कैन वॉश इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, द पेंट वोंट गो ऑफ। वाओ, ग्रेट प्रोडक्ट्स, क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक आध प्रोडक्ट का प्राइस बताएंगे? मैम, जैसे अपना कॉपर बॉटल है, तो कॉपर बॉटल कम्स एट 1799। वाओ, तो राहुल दीप जी और विजय कुमार जी, नमस्कार। वैसे कोइंसिडेंस बोलिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैं गोवा एयरपोर्ट थी, इतने सारे वहां स्टोर्स थे, बट मैं आपके स्टोर के अंदर गई और वहीं मैं काफी देर तक, मतलब निकलना मुश्किल हो गया। तो जस्ट कॉल इट डेस्टिनी। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैम, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 2015 में जब इंजीनियरिंग कर रहा था, एक्चुअली घर पे बहुत पैसे की कमी थी, तो जो बेसिक मिट्टी का कुल्लड़ है उस पे पेंट करके मेलों पे बेचता था। तो उसी से आई यूज्ड टू गेट मनी टू फंड माय इंजीनियरिंग। वाओ, इंजीनियर तो मैं बाद में बना, पहले तो मैं बंगाली हूँ और मेरे भी मम्मी पापा ने बचपन से पेंटिंग 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 करवाया है। एक ही गांव में गया था और जब उन कारीगरों को देखा, तब वो यूरेका मोमेंट था, जब मैंने लगा कि यार इनके साथ परिवार बन के काम करना है। फर्स्ट 7-8 महीने तो बहुत मुश्किल थे, माल बिक नहीं रहा था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम रिटेल में बेचना शुरू करें। तब एक बुक स्टोर है कैलकटा में, पार्क स्ट्रीट में, उसमें एक छोटी सी जगह मिली और फर्स्ट मंथ में हमने 1.5 लाख का सामान बेचा था। मैंने धीरे धीरे सारे बुक स्टोर्स को कवर किया। फिर रियलाइज हुआ कि अपना जो सामान है वो बुक स्टोर से ज्यादा अच्छा एयरपोर्ट में बिकेगा। तो फिर मैंने निकाला कि एयरपोर्ट में कौन रिटेलर है जो ऐसा सामान बेचता है। जो मेरे को-फाउंडर है विजय जी, वो एयरपोर्ट के ही रिटेल में लास्ट 10 साल से थे और वैसे ही मैं उनसे मिला। वी रियली फील प्राउड कि आज अपना मिट्टी भी चाइना के सेरामिक के साथ एक लेवल पे खड़ा होके कमांड कर सकता है। कारीगरों को बढ़ावा दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सो वेरी गुड पर्पस ड्रिवन ब्रांड। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके टोटल SKUs कितने हैं और कितना परसेंट सेल्स आपका एयरपोर्ट, विच इज ऑफलाइन और ऑनलाइन से आता है, और इसके बारे में आप सोचते कैसे हैं? हमारे पास सब मिला के अराउंड 6,000 SKUs है। अभी 4 एयरपोर्ट और ऑनलाइन मिला के लास्ट मंथ का रेवेन्यू 1 करोड़ था। अब 1 करोड़ में से 78 लाख वॉज क्लोजली फ्रॉम आवर रिटेल एंड बाकी जो पोर्शन था वो डिजिटल से था। आपके पास इसके पहले कोई इन्वेस्टर रह चुका है कि वी आर द फर्स्ट इन्वेस्टर्स? 2019 वी रेज आवर फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग। कितना रेज किया आपने? 1.25 crore।
At valuation of 6.5 crore. उस time revenue क्या था? Sir, उस time revenue महीने का कुछ 4 से 5 लाख के आसपास था. 4 से 5 लाख. फिर हम लोगों ने 2020 में अगस्त में फिर से रेस किया. अरे बाप. उस time we raised 2.5 crore. 2.5 crore. जहाँ तक मैं ये काम को समझता हूँ, इसमें दो different level है. एक तो है बहुत से लोग ये छोटी छोटी बिजनेसेस कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट का, और फिर एक तो कंपनियां ऐसी है, वन इज लाइक बॉम्बे स्टोर है, और एक दूसरी एक कंपनी है जो अभी पब्लिक गई है, फैब इंडिया. तो ये काम वो स्केल पे भी किया जा सकता है, राइट? आपके अप्रोच में ऐसा क्या है कि आप वहां तक पहुंचेंगे? एक तो ये B2B वाला सेक्शन है. हाँ, फिर है जो हम लोग अपने खुद के वेबसाइट से जो बेचते हैं. And then we have corporate gifting. Airports we are targeting because when COVID happened, बहुत concessioners निकल गए airport से. हम इस time पे अगर घुसते हैं और limited लोग fly कर रहे थे, उसमें अगर हम revenue ला सकते हैं and the numbers will constantly grow from here. नहीं नहीं, इसमें एक 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 बात है. अभी festive season था, तब जाके 1 crore का sale हुआ because gifting was very big. हाँ sir. इसके बिना आपको लगता है 1 crore maintain होगा? सर उससे ज्यादा मेंटेन नंबर्स भी एक प्लेटफॉर्म होता है. आज अगर मार्केट पूरा खुल गया, अगर आप फुल कैपेसिटी में जाएंगे, भी हमारा पास तो 4 एयरपोर्ट है. आज अराउंड 10:30 बजे और एक एयरपोर्ट कंफर्म हुआ, टेंडर हम जीत गए. कांग्रेचुलेशंस. फैंटास्टिक. और हर एयरपोर्ट प्रॉफिटेबल 100% डे 1 से बिजनेस गारंटी. वेरी नाइस. 11 एयरपोर्ट से हमारा बात चल रही है. तो मेरा ऑफर है 65 lakhs बट फॉर 5% इक्विटी फॉर मी टू फील कि मेरा स्किन इन द गेम है. ये बहुत नेशनलिस्टिक पर्पस है. धोनी एंड माई हस्बैंड, हम बहुत ही सक्सेसफुल थे इन द US इन आर जॉब्स, लेकिन हम इंडिया आए बिकॉज ऑफ अ सर्टेन नेशनलिस्टिक फीलिंग. ओके. और आप में भी मुझे वो ही दिख रहा है. तो आई थिंक काफी सारा कोइंसिडेंसेस और डेस्टिनी, अगर आप बोलना चाहें. ओनली लैक ऑफ कोइंसिडेंसेस 13 crore वर्सेस 65 crore. बट लाइक लेट मी टेल यू, आपको दूसरे इन्वेस्टर्स जो मिलेंगे वो पैसिव मिलेंगे. ये क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, लेट देम जस्ट फिनिश दैट. आप अपना प्लान बता रहे थे, हाउ यू आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स. तो उसका अप्रोच और प्लान. बट प्लान बताने से पहले प्लीज याद रखिए, आपको किसी ने ऑफर दिया है तो कितना कन्विक्शन है आपके सोच और आपके पैशन में. तो डिसीजन बनाने से पहले वो जरूर आप याद रखिए, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए. आई एम क्वाइट नाउ. ऑफर आपके लिए नहीं मिला है, ऑफर मिला है आपके आंकड़ों के लिए. कितने मटेरियलिस्टिक नंबर्स ड्रिवन लोग हैं यहाँ देखो. मेरे जैसे नहीं है, मैं दिल से सोचती हूँ. हम साफ बात करते हैं, उल्टी सीधी बात नहीं. बस मैं उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ. प्लान बताइए, क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी है, आप में दिलचस्पी. वंस दिस एयरपोर्ट गेम इज डन, वी हैव स्लोली स्टार्टेड कमिंग इनटू मॉल स्टोर्स एज वेल. We have not started. We are yet to start with Sarat City Capital. So Hyderabad में. हाँ. Lovely mall. पहला mall है जिसमें हम वो 200 square feet का concept try करने वाले हैं. आगे चल के कपड़े और furniture वगैरह भी करोगे? कपड़े is something which we hope to do in next 5 years. क्योंकि scalable अगर बनाना है तो ये कारीगरी के beyond जाना पड़ेगा. Yes, sir. It has to be that omnipresent brand which will not only sell this, it has to has fragrance, it has to has clothes, it has to has spices. So home and living. Yes, home and living. 1 crore में profit कितना? जो last month किया था, sir, last month में करीबन 12 से 13 lakh का we are net बचा है. Net बचा. तो इतना हंसे क्यों आप? हम लोग actually और एक sorry expect कर रहे थे हम लोग पीछे that शार्क्स एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे. मैंने बोला था नहीं पूछेंगे, ये बोला था जरूर पूछेंगे. शार्क टैंक पे आए हो, शार्क मच्छी तो खाएगा? नहीं. हाँ सर, तो थोड़ा सा मजलेवा मच्छी है. एयरपोर्ट को कितना परसेंटेज दे देते हैं आप रेवेन्यू में? सर डिपेंड करते हैं एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, बट अगर एवरेज में पकड़े तो 28 से 30%. तो 30 लाख में से 9 लाख रुपए तो एयरपोर्ट के पास ही चला जाएगा. तो आपको नहीं लग रहा कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज तो खाली रेंट में ही चला जा रहा है बिजनेस का? सर वो तो है, but that is the cost we have to bear to build a brand before we come into malls. Mall में जो consumer आता है वो
शायद गिफ्टिंग के लिए उतना नहीं आता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए आता है। यस सर। 1800 का प्राइस पॉइंट ना हाई है, वो एक लग्जरी ब्रांड में फिट होता है। यहाँ आपका जो क्लिक हुआ वो एयरपोर्ट पे से हुआ, बिकॉज एयरपोर्ट पे बहुत यू नो प्रेशर होता है गिफ्टिंग का, तो वहाँ पे लोग दिमाग नहीं लगाते हैं प्राइस का, वो लोग 1800 है, मुझे घर कुछ लेके जाना है। इसका सेल्फ कंजम्पशन मार्केट, और मुझे लगता है इसका डिजिटल स्केल करना मुश्किल है अंटिल आप ब्रांड एस्टेब्लिश कर लें, तो इस रीजन के लिए मेरे लिए अभी फिट नहीं है, तो फॉर रीजन आई एम आउट, बट very impressed by watching. Thank you. मैं विनीता से थोड़ा सहमत हूँ इस चीज पे, आपके ना प्रोडक्ट बहुत खूबसूरत है, मतलब ये बॉटल मैं अपने घर पे जरूर रखना चाहूंगी, पर ये बॉटल ना मुझे ये नहीं बताती कि किस ब्रांड का बॉटल है ये, कल को अगर आपका डिजाइन कोई और कॉपी कर लेता है तो ये इतना छोटा सा ब्रांड का नाम लिखा हुआ यहाँ पे, मुझे नहीं पता आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे, लोग आपका प्रोडक्ट पहचानेंगे या खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो मेरे वो कुछ डाउट्स हैं, उन रीजन से मैं आउट हूँ, आई एम सॉरी। मैं भी अपना डिसीजन बना चुका हूँ, एयरपोर्ट डिपेंडेंसी जो है ना ये मेरे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव है अभी इसमें, थोड़ा सा बिजनेस में प्रूवन आ जाए कि रिटेल में भी चल सकता है और ऑनलाइन में भी ज्यादा चल सकता है, देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू कम इनटू दिस बिजनेस, पर आज मैं बाहर हूँ। आपका 10% मार्जिन आज की तारीख में चल रहा है, लेकिन आपका जीएनए कॉस्ट कितना है, जो आपकी टीम है कॉर्पोरेट टीम कितनी बड़ी है, सिर्फ आप तो हो? नहीं सर, अराउंड 13 लोग हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस से कंट्रोल करते हैं। खर्चा कितना है? सब मिला के विजय जी 3 लाख। तो प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आपका खर्चा कम है इसलिए आपका 10% मार्जिन दिख रहा है, ये मॉडल में आपका मार्जिन 2-5% होने वाला है। मुझे 3-4 चीज मैं देखता हूँ जनरली, आई कॉल इट 3 T's और 4 T's, आप जैसे भी देखना चाहें। एक तो टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मार्केट बड़ी है कि नहीं, मार्केट बहुत बड़ी, ये प्रूव हो गया है। टाइमिंग भी, एवरीबडी इज गोइंग बैक टू ऑर्गेनिक, टू अर्थी स्टफ, है ना, सो टाइमिंग भी ठीक है, लेकिन टीम जब मैं देख रहा हूँ मुझे ये नहीं लग रहा है कि ब्रांडिंग आपकी स्ट्रेंथ है, और जब तक आप ब्रांड स्ट्रेंथ नहीं बना पाओगे आप मार्जिन नहीं बना पाओगे, तो आई एम वेरी सॉरी, लव व्हाट यू डूइंग, लेकिन आज मुझे आउट होना है, गुड लक। ओके सर, आई एम स्टिल देयर एंड माय चेक इज रेडी। इन्होंने आपको रीजंस बताए जो वीकनेसेस है, एंड मैं 100% इनसे अग्री करती हूँ, ये बिजनेस में और बहुत काम लगेगा इसे इंडिया में स्केल करने और एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस करने, और वो टाइम मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, तो आप सोच लीजिए। मैम फर्स्टली थैंक यू फॉर गिविंग अस द ऑफर, फर्स्टली बोला है मतलब काउंटर आ रहा है, एंड वी हैव अ काउंटर ऑफर, टू बी ऑनेस्ट वी रियली वांट यू, एंड 5% is okay ma'am, we are ready to take 5%, but I want 2 crore, matlab 2 crore pe double nahi 65 lakh ke badle 2 crores ma'am, 5% aapka constant hai, 65 lakh ke upar to main jaungi nahi, purana valuation jo 40 crore ka valuation tha us valuation pe bhi we are ready, we don't even want a hike, lekin aap shark tank pe aaye ho, aapko itna bada manch mila hai ji, aapko kuch to gunjayish rakhni padegi na mere bhai, mera check ready hai, तो आप जरा बता दीजिए, आई थिंक 5 इन माय माइंड फॉर व्हाट आई ब्रिंग इज अ फैंटास्टिक ऑफर, स्टिल 4% पे क्लोज करते हैं ना आपका ना मेरा, राइट इन द मिडल, 3% इज आल्सो 21 करोड, इट्स स्टिल लेस देन द लास्ट राउंड, एनफ मैम, हाफ ऑफ द लास्ट राउंड, 3%, वी हैव अ डील, कांग्रेचुलेशंस, Congratulations. Well done. 12 करोड़ का साल का धंधा है, आपने 21 करोड़ में ले लिया, दिस ब्रांड विल डू वेरी वेल, इट्स नॉट बैड, आई थिंक
अच्छा डील मिला है। अच्छा डील मिला है। एंड थैंक यू शार्क्स फॉर योर हेल्प इन कन्विंसिंग हिम टू टेक माय नंबर बिकॉज़ इट वाजंट इजी फॉर हिम। बंदे ऑपरेशनली अच्छे। आपने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए धन्यवाद। We'll be right back.